नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPSC Aspirant Vision में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 7, एंड इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यूपी में फॉरेस्ट जो हैं वो किस टाइप के हैं और कौन से रीजन में आपको मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इन्हें वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो पहला डिवीजन जो है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस, एंड सेकंड जो है वो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस को डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में जो रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर रहती है। ड्राई डेसिडियस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको रेनफॉल मिलेगी 70 to 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम रीजन की बात करें जो कि है मॉइस्ट डेसिडियस, तो देखिए जो आपका तराई रीजन है यूपी में, जहाँ पर आपके जैसे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बहराज, महाराजगंज जैसे जो ज़िले हैं आपके, वो इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की आपको बारिश देखने के लिए मिल जाएगी। और जो ये फॉरेस्ट है उन्हें हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के नाम से जानते हैं। इसमें टाइप जो हैं आपके ट्रीज के वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि टीक, साल, शीशम, आंवला, महुआ और थिक ग्रासेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ड्राई डेसिडियस के बारे में, तो जो रीजन है वो आपका गंजेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, तो ये जो फॉरेस्ट है आपको थ्रू आउट दी गंजेटिक प्लेन आपको मिलेगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर तेंदू, अमाल्टस, खैर एंड बेल। सेकेंड जो टाइप है वो आपका है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, जो मेनली आपको मिलेगा यूपी के बुंदेलखंड वाला जो आपका रीजन है, और ये आपका आगरा जो आपका डिवीजन है, आगरा मथुरा वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ज़िले की मैं बात करूँ तो आगरा, मथुरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ऐसे जो ज़िले हैं आपके वो आपके यहाँ आ जाते हैं। बांदा तक आपका जो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट आएगा। यहाँ पर आपकी बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से आपको कम मिलेगी। तो इसके देखिए, और जो ग्रासेस और शर्ब जैसे जो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोमिनेंटली मिलेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पर अगर हम यूपी के पूरे यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम मतलब मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है वो आपको वेस्टर्न वाले पार्ट में इतना कम रेनफॉल और फॉरेस्ट मिल रहा है, और यहाँ पर जो है वो आपको फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, पहली बात तो जैसे आप मानसून पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, तो हम देखते हैं मानसून जो है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच में डिवाइडेड होता है। तो अरेबियन सी से जो मानसून आ रहा है वो भी यहाँ पर हमारा हिट कर रहा है, और जो बे ऑफ बंगाल से जो आपका जो मानसून जो आपका रेनफॉल आ रही है, जिसकी बे ऑफ बंगाल की वजह से जो आपका मानसून यहाँ पर हिट करता है इंडिया में, वो मेजरली आपका जो मतलब यूपी वाला जो मेजर पोर्शन है वो आपका जो है इम्पैक्ट होता है बीओबी वाली ब्रांच से। पहली चीज़ तो ये हो गई समझने वाली। दूसरी चीज़ देखिए, जो आपका मानसून है वो आप ईस्टर्न पार्ट से जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर आपको जो है वो बारिश ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर थोड़ा आपको कम मिलेगा जो मैंने आपको बताया 50 सेंटीमीटर से कम। और ये वाला जो रीजन है, तो देखिए यहाँ पर आपको अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो तो आपको बारिश यहाँ पर लेकर आ ही रही है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट एरिया यूपी में, तो देखिए अगर जो 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं फॉरेस्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया के परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं, तो देखिए पहला जो है सोनभद्र, उसके बाद आपका चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट, ये जो है आपके फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। तो देखिए अगर हम इसमें रीजन की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका सोनभद्र है। तो ये सोनभद्र जो है, सोनभद्र में आपको क्या है सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है देखने के लिए मिल जाएगा। 5 डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखिए सबसे कम है संत रविदासपुर, मेनपुरी सॉरी, फिर आपका देवरिया, फिर बदायूं एंड फिर मऊ। तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज। अगर हम 5 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम जो अगर देखें फॉरेस्ट एरिया जिनके पास है एरिया वाइज अगर हम देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखिए सोनभद्र जो है वो आपका एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आपका आएगा खेरी, फिर मिर्ज़ापुर,
पीलीभीत एंड चित्रकूट। तो सोनभद्र में आप देखेंगे कि 2540 लगभग स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो मिल जाएगा देखने के लिए। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, तो वो आपको मिलेगा बदायूं, मऊ, मैनपुरी, सेंत कबीर नगर और देवरिया। देखिए, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई किस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो हमें यूपी में मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी और कुछ हमने स्टार्स देख लिए। अब हम बात करते हैं यूपी की जो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। देखिए, यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुई थी, और ओल्ड फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि चली आ रही थी 2017 तक हम फॉलो कर रहे थे वो था 1998 वाला। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए, जो आपके एग्जिस्टिंग नेचुरल और प्लांटेड फॉरेस्ट जो एरिया हैं उन्हें क्या करना है, आपको उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। कैसे? आपको कंजर्व करना है उन्हें और डेवलपमेंट करना है उस चीज़ का, उस एरिया का, और साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है वहाँ का। तो साइंटिफिकली आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है उस एरिया का और कंजर्व करना है उस एरिया को, पहला चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि डिफरेंट जो स्कीम्स हैं फॉरेस्टेशन की और सॉइल कंजर्वेशन के लिए, उनका आपको फॉर्मुलेशन करना है और इम्प्लीमेंटेशन कराना है उन स्कीम्स का। कुछ जैसे डिग्रेडेड लैंड्स हैं स्टेट में, उसार, खादर, रवाइन, ब्लैंक फॉरेस्ट जैसे जो एरिया हैं वहाँ पर आपको ये जो स्कीम्स हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना है, और स्पेशल एम्फेसिस देना है आपको फॉरेस्ट ड्वेलर के ऊपर। देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है फॉरेस्ट में जो मेनली रह रही है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उनको हमें सेंटर में रखते हुए फॉरेस्ट का क्या मैनेजमेंट करना है, तो ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथे ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, तो देखिए, ट्री कवर को आपको बनाना है सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री के मतलब थ्रू। फिफ्थ अगर हम बात कर लेते हैं तो टू गेट कार्बन क्रेडिट्स ऑन दी प्लांटेशंस व्हिच आर प्लांटेड अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देखिए, अब हम कार्बन क्रेडिट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कार्बन क्रेडिट्स मेन क्या है कि कार्बन मार्केट क्रिएट किया गया है आपका 2022 में, सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बिल पास किया था कि कार्बन मार्केट एक बनाया जाएगा जहां पर आप क्या है कि कार्बन के जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही हैं आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और भी जो डोमेस्टिक जो आपके रीजंस हो सकते, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2 या फिर जो दूसरी और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आपको क्या करना है, सिक्वेस्टर करना है। जो आपके कार्बन सिंक्स हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जो हैं तो वो एक कार्बन सिंक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे CO2 फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें क्या करना है, इसे सिक्वेस्टर करना है, आपको स्टोर करा कर रखना है ये जो आपका ग्रीन हाउस गैस है फॉरेस्ट में। अब देखिए, होता है क्या है कि मान लीजिए आपने क्या किया है कि 1 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो हो रहा है आपका, वो आप मान लीजिए उसे 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर, 1 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अगर आप एमिट करते हैं तो उसे आप मान लीजिए 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर। अब देखिए, एक तो हो गया कि आपने एमिशन किया 1 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस का, या फिर इसके प्लेस में आपने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल ट्री का प्लांटेशन कर दिया काफ़ी ज़्यादा, तो इतने एरिया में आपने ट्री का प्लांटेशन किया है कि आपने जो एमिशन है उसे रिड्यूस कर दिया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखें अगर, तो आपने क्या किया है कि जो ग्रीन हाउस जो एमिशन्स हैं, आपने कार्बन का एमिशन जो है वो आपने कंट्रोल कर लिया है। तो आपने इतना कंट्रोल कर लिया है कि लगभग आपके पास 1 टन ऑफ ग्रीन हाउस जो मतलब गैस है उसका एमिशन आपने कंट्रोल कर लिया है, उसके बराबर आपको क्या है कि 1 कार्बन क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। अब आप इस कार्बन क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं, जब आपको कोई भी मान लीजिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए आपको क्या है कि आप वहाँ पर कार्बन का एमिशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका कार्बन का एमिशन होना ही है, तो आप क्या करेंगे कि भाई ये जो आपका जो आपके पास सरप्लस में आपका कार्बन जो आपके पास क्रेडिट था वो आप उसे सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी रीजन जहाँ पर जो आपके जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपके हैं, जो आपके क्राइटेरिया हैं कि भाई इतना मतलब आपको कार्बन का जो एमिशन है करना है, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये कार्बन क्रेडिट को परचेज कर सकते हैं अपने जो एमिशन हैं उन्हें बैलेंस आउट करने के लिए। दूसरी, अगर हम 6th जो पॉइंट की बात करते हैं तो देखेंगे कि जहाँ पर आपको सिल्टेशन ऑफ वाटर को कम करना है, रिजर्वॉयर्स एंड द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट थ्रू कंट्रोल मेजर ऑफ ओवर सॉइल।
तो सिंपल आपको क्या करना है, जो सिल्टेशन है आपका वाटर में और रिजर्वायर्स में, वो आपको वहाँ पर रिड्यूस करना है उसे, और जो आपके फ्लड्स एंड ड्रॉट मतलब जो पड़ रहा है जो भी रीजन में, वहाँ पर आपको उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजंस रखने हैं। सेवन्थ अगर बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, तो आपको प्रमोट करना है प्लांटेशन ओवर नॉन फॉरेस्ट लैंड, जो आपके नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर, जैसे आप अर्बन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लांटेशन करना है। एट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा के रखना है। और नाइन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इको टूरिज्म को आपको क्या करना है, डेवलप कराना है। तो ये आपके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस फॉरेस्ट पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंस हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि आप फॉरेस्ट पॉलिसी जो मतलब फॉर्मुलेट आपने की है, अब अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए जब आप ज़्यादा फॉरेस्ट उगाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया जो है वो बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है आप उसे कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई इतने सारे जो मेनली बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी ओशियंस के बाद, वो आपको फॉरेस्ट वाले रीजन में देखने के लिए मिलती है, तो आपको उन्हें कंजर्व करना है ताकि आप जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की आप उसे भी कंजर्व कर सकें। तो इसमें आपको क्या करना है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उसका फॉर्मुलेशन करना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप करेंगे इन पॉलिसीज़ के। देखिए जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़े कार्बन सिंक माने जाते हैं, जहाँ पर आप कार्बन का जो एमिशन जो है उसे आप कार्बन को स्टोर करके रख सकते हैं, जो इन्वायरमेंट में एक्सेस जो कार्बन है उसे आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप फॉरेस्ट को बढ़ाते हैं, अपने इफॉरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं, तो वाटर रेगुलेशन आप कर सकते हैं और क्लाइमेट को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए क्या है कि एक तो यह बात हो गई आपकी, जब आप इफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब आप इसके मतलब आप डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं और किसी रीजन में फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज़्यादा कम हो गया, तो वहाँ पर क्या है, पहली बात तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है, जो एरिया होगा वहाँ की जो सॉइल होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वहाँ का वो कम होने लगता है। और इसके रिलेशन में हम देखेंगे कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से आपको जो एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, जैसे कि डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे ड्रॉट या फ्लड जो है, वो हम देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो पॉलिसी को क्या है आपको कैसे बनाना है, रेजिलिएंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो आपको डेवलप करना है। तो आपकी जो पॉलिसी है उसमें आपके ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि आप रेजिलिएंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप कर सकें और मिटिगेट कर सकें इन चैलेंजेस को। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट मतलब जो इम्पोर्टेंस है इसका पॉलिसी का, तो आप देखेंगे कि भाई जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक है बहुत बड़ा, और अगर आप फॉरेस्ट मतलब इफॉरेस्टेशन करते हैं तो आप क्लाइमेट चेंज जो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो आप वहाँ पर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन टर्न आप क्या है कि क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को आप रिड्यूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखिए कर सकते हैं कि जब आप जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है आपकी कम्युनिटीज़ जो हैं जैसे ट्राइबल पीपल जो हैं, तो उन लोगों के लिए आप डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर पॉलिसीज़ में आप ऐसे प्रोविजन रखेंगे कि जहाँ पर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके राइट्स को, उनके जो टिम्बर कलेक्शन है या फिर उनके जो लाइवलीहुड है, उनका कल्चरल जो उनके सिग्निफिकेंस है, उन सब चीज़ों को अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो उनसे क्या है कि इनका सोशल जो मतलब डेवलपमेंट है वो होगा। तो पॉलिसी आपको कैसी बनानी है, सपोर्ट करना है सस्टेनेबल फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को बाय प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज़ इससे क्या होगा कि ये पॉलिसी जो है वो आपको हेल्प करेगी टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वाटर रिसोर्स को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे ये आपका फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू। जैसे कि देखिए फॉरेस्ट जो है क्रिटिकल है वाटर साइकिल के लिए या मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी या फिर सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉरेस्ट की आपकी पॉलिसी है इसमें ऐसे प्रोविजन रखने हैं जैसे कि वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग कैचमेंट एरिया, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, और रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स एंड ड्रॉट। तो आप क्या कर रहे हैं, जो वाटर रिसोर्स का जो है आपको मैनेजमेंट कर रहा है इन सब चीज़ों के थ्रू, कि आपने वाटरशेड मैनेजमेंट कर लिया, कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया और डिग्रेडेड लैंड को भी आप रिस्टोर करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस पॉलिसी के थ्रू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर पाएंगे।
कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जैसे कि देखिए कुछ फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं उन्हें हम सेक्रेट ग्रूव्स के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं कुछ लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। उनके मतलब उस पर रिलीजियस बिलीव जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी कांतारा, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उनका जो वन देवता है उसे वो लोग पूछते हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो लोग हैं जो डेवलप बड़े लोग हैं वो डेवलप कराना चाह रहे हैं वहाँ पर आपका जो बड़ा मार्केट है, तो वो डिफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्या है कि उस चीज़ का विरोध करते हैं। तो मेन आप देखेंगे कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप उनके जो कल्चरल और जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं इस पॉलिसी के थ्रू, तो इन टर्न आप देखेंगे कि आपका जो फॉरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो कम्युनिटी प्रोटेक्ट करेगी उस चीज़ को। तो आपको पॉलिसीज़ कैसी बनानी है, रिस्पेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है उनके कल्चरल बिलीफ को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिसीज़ जो हैं इट विल एम टू बैलेंस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब हम इम्पोर्टेंस के बाद अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में, तो देखिए चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। पहली बात तो देखिए एनक्रोचमेंट एंड इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे कि पोचिंग, इलीगल लॉगिंग या माइनिंग जैसी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनसे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट जो हैं जो पूरा जो फौना है वहाँ का आपका उसका हैबिटेट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके चैलेंजेस हैं। तो ये जो हैं वो आपके रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे आपके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनसफिशिएंट फाइनल रिसोर्सेज हैं आपके पास, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है वो आपको प्रॉपरली अभी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। इनएडिक्वेट फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड एनफोर्समेंट, कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, आपने फॉर्मुलेट कर दिया अब आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं, जो गवर्नेंस वाला सिस्टम है वो आपका वीक है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो वीक है, उसमें आप देख सकते हैं या फिर करप्शन आपका हो रहा है या फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, कि आपने स्कीम बना दी, स्कीम में आपने बोला कि भाई इतने 100 पेड़ लगाने हैं एक रीजन में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि भाई वो लगे या नहीं। अब मान लीजिए 2020 में कोई स्कीम आती है, अब आप 2023 में अगर पूछें कि भाई उसका टारगेट था 2021 तक का, आप देखेंगे कि भाई वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं, तो करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस पॉलिसी को फॉर्मुलेशन और इफेक्ट जो आपका इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए ये जो है वो हिंडर करेगा इस चीज़ को। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, तो जो फॉरेस्ट जो पॉलिसीज़ है आपकी इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके होंगे फ्रॉम कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज सच एज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो आप देखेंगे भाई इन सब चीज़ों के लिए जब आपको इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना है, आपको चाहिए फॉरेस्ट वाला लैंड या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब कराना है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ ना कुछ लैंड एक्वायर करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब देखेंगे कि भाई कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं जहाँ पर आपका कुछ ट्राइबल लोग भी रह रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में और जो डेवलपमेंट है उनके बीच में जो क्लैशेस हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द राइट, देखिए अब जो लोग हैं जो मतलब आपके फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो क्या है कि वो अभी मतलब डर में रहती है कि उन्हें यहाँ से उनके एरिया से एविक्ट कर दिया जाएगा, तो जो वो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं या फिर उन्हें अवेयरनेस नहीं है इतने चीज़ों की। तो हमें पॉलिसीज़ जो हैं ऐसी बनानी है ताकि उनके राइट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकें ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो उनकी रिसोर्सेज पे उनका हक है उन्हें हमें उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है, और उसको साथ में रखते हुए से कंसिडर करते हुए ही आगे जो भी है डेवलपमेंट्स हैं वो कराने होंगे। अब अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की, तो देखिए चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो आपके फॉरेस्ट हेल्थ को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन को इम्पैक्ट कर सकता है, और जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसे भी इम्पैक्ट करेगा। तो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, तो जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं उन्हें अपने जो पॉलिसीज़ के अंदर ऐसे प्रोविजंस जो डालने हैं जो कि मतलब क्लाइमेट जो चेंज है उसको अडेप्ट करते हुए जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो डेवलप होंगे। फॉरेस्ट डेवलपमेंट स्कीम्स जो है यूपी में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री जो है एक स्कीम है, इसमें क्या करना है
ट्री का प्लांटेशन होगा ऑन वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी लैंड जैसे कि कैनाल्स, रेल एंड ऑन रोड साइड एंड रूरल एरियाज की। जो मान लीजिए ये आपका सिंपल सा रोड जा रहा है, ये रूरल एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो यहाँ ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट को उगाना है ताकि जो रॉ मटेरियल जो है स्मॉल टिम्बर इंडस्ट्रीज़ को इधर से वो मिल सके, या फिर जो लोग हैं इंडिविजुअली भी जो इन्हें रिसोर्स की ज़रूरत है वो यहाँ से इस चीज़ को कलेक्ट कर सकें। और जो ये सोशल फॉरेस्ट्री वाली आपका स्कीम है ये यूपी के सारे ज़िलों में लागू कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम, देखिए ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन बेल्ट इज़ टू प्रोवाइड अ बफर बैरियर बिटवीन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड सराउंडिंग एरियाज। तो मान लीजिए ये सराउंडिंग एरिया है, ये आपका सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, तो इसके बीच में आपको क्या है कि एक ग्रीन बेल्ट जो है वो डेवलप करानी है ताकि जो फ्यूजिटिव एमिशंस हैं और जो भी पोल्यूशन है वो आप वो प्लांट जो ट्रीज हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएँ सब चीज़ों को। और ये जो स्कीम है वो आपकी 2013-14 में स्टार्ट की गई थी यूपी में। वन महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जो कि यूपी में मनाया जाता है हर साल और दूसरे स्टेट्स में भी इंडिया के। और ये इसका मतलब मेन एम क्या है कि एफॉरेस्टेशन को आपको प्रमोट कराना है और बड़े लेवल पर आपको इसमें क्या है कि आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज़ का, एनजीओज़ का, स्कूल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़, ये सब मिलकर जो है वो मास लेवल आपका प्लांटेशन करते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। और ये स्कीम जो है वो उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव कराएगी और साथ ही साथ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करेगी अगर आप जो लोग हैं लोकल कम्युनिटी है उसे आप साथ में लेकर काम करते हैं। तो ग्रीन यूपी एंड क्लीन यूपी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या करना है, ग्रीन कवर को आपको बनाना है अर्बन एरियाज़ में एंड एम्स टू क्रिएट ग्रीन स्पेसेस, अर्बन फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये जो है ग्रीन यूपी एंड क्लीन यूपी जो आपकी स्कीम है। बैम्बू डेवलपमेंट जो स्कीम है यूपी की उसमें अगर बात देखें तो यूपी में आपको सिग्निफिकेंट बैम्बू रिसोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे और जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कराई जा रही है ताकि बैम्बू का कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा सके और उसकी प्रोसेसिंग को और उसमें वैल्यू एडिशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए प्रमोट बैम्बू कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। अब एक स्कीम जैसे आप देखेंगे जो नेशनल लेवल पर नेशनल बैम्बू स्कीम है उसके अंतर्गत ही आप देखेंगे कि यूपी में भी बहुत सारे डिवीजन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं जैसे कि बिजनौर, सहारनपुर, चंदौली, महाराजगंज, जालौन, चित्रकूट और इसमें भी बीच में गंजटिक प्लेन वाले रीजन में भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर सरकार देखिए बैम्बू के जो आपका बैम्बू प्रोडक्शन के लिए इंस्टीट्यूट भी बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो यूपी में आपके देखिए बुंदेलखंड और विंध्यन जो रीजन है वो कवर आपका हो जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का है उसके अंतर्गत जो है वो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क जो है इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर का प्लान है 1987 में दुधवा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर शामिल कर लिया है। कब? 1987 में, और इसे दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसमें किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जॉइंटली ब्रॉट टुगेदर अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं जो कि 1992 में आया था, इसमें यूपी में तीन डिवीजन जो है शिवालिक, बिजनौर सोशल फॉरेस्ट्री एंड ये आपका नजीबाबाद फॉरेस्ट डिवीजन, तीन जो ये आपके डिवीजन है जहाँ पर आपको एलिफेंट जो है वो मतलब ज़्यादा उसमें नंबर में मिल जाएंगे, तो ये जो एरिया है वो आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर कराई जाएंगी। मिनिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो आपका होता है, जो ह्यूमन और मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कुछ रीजन है जहाँ पे आदमी और जो आपके जानवरों वाला जो रीजन है वहाँ से क्या है कि बीच में मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आदमियों का भी जाना है और जानवरों का भी आना है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि बहुत जगह देखा जाता है कि जो बड़े जानवर हैं मैन ईटर्स हैं तो वो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं अंदर।
तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लास्ट में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर है कुकरेल फॉरेस्ट डिवीजन में, वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ वो आपको मिल सकें। तब तक के लिए जय हिंद।